It's not about getting past for the right though. I'm improving. I want to be getting past. Why are you not talking about the people coming from Burma? Why are you not talking about the people coming from Burma and Sashin here? They should also know all this. Why they are only talking about Chakot and Adam? Why they are not talking about the people who are coming? Why they are not talking about the people who are coming without LPC, the Muslim people, please yeah. Yeah. The answer has to come and see the reality here. They should understand what we are for here. We want to serve the development for the development of Arunachal as well. Hum log bhi to chahta hai ki Arunachal ka development ke liye hum log bhi to support kare. Why the answer is opposing all this? हम लोग का जगह में डेवलपमेंट है, रास्ता है. Why they don't talk about the people? Why they don't talk about this? They have not done by the people there. Why that district is not developed? They should talk about the education system to revive the education system in Arunachal. If they ever talk about that, या किसी को बात किया आपसे? क्या आगे देखो, स्कूल क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कहाँ टीचर है, क्या नहीं है. एवरी डे एवरी नाउ एंड देन हम लोगों का बच्चा लोग पढ़ लिख के बड़ा हो रहा है. एक सहने का क्षमता होता है. देयर इज अ लिमिट टू प्यार. बर्दाश्त करने का भी एक लिमिट होता है. वो बर्दाश्त जब हट जाएगा, देयर विल बी अ डे व्हेन देयर विल बी ब्लडशेड इन टाइम एंड आप सब विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट, फॉर द डिसहार्मोनी अमंग आवर कम्युनिटी विद इन द चंदन डिस्ट्रिक्ट एंड वी आर गोना. तो हम ज्यादा नहीं बोलेगा. इसी कहने के साथ आप लोगों ने भी बहुत तकलीफ से देखा हुआ है, कोई बात नहीं, देखना चाहिए. हम लोग जियेंगे तो यहाँ, मरेंगे तो यहाँ. चकमा जिएगा तो कहा, मरेंगे तो ऐसा होना चाहिए. और एक चकमा, चकमा बोलने से कहीं भी जाने से चकमा बात करता है. आप कौन है? ही ओजा ही गोजा ही होना हो सिर्फ कोई संगमान है और अभी संगमा अभी अमित एक्टम संगमा संगमा होने योग प्रभाव संगमा होने योग मुरी भी
There is no one, আমি যদি ইউনিটি করে থেকে দাও, there is no one to relocate from here. From here. कोई नहीं है जहां से रिलोकेट करने के लिए. अगर हम लोग रिलोकेट करना है तो कैसे रिलोकेट करना पड़ेगा उन लोगों को, सरकार को मैं इन्फॉर्म करना चाहूंगा. अगर इफ द गवर्नमेंट वांट्स टू रिलोकेट अस फ्रॉम हियर, दे हैज टू रिलोकेट आवर एवरीबॉडी. अगर सरकार चाहता है कि यहां से चकमा लोगों को बाहर फेंकना है, हम लोग ले जाएंगे, वो सरकार हम लोगों का डेड बॉडी को उठा के ले जाना पड़ेगा. हमारे तुम बड़ा अब्दुल मोल्ला सल्ला बासी को ले दू सल्ला उमरा दीवान. थैंक यू. आज का ये जो सिट इन प्रोटेस्ट है, पीसफुल धरना जो है चकमा और आजम लोगों की ओर से किया जा रहा है, इस पीसफुल प्रोटेस्ट का जो मेन उद्देश्य है, जो मेन डिमांड है, वो ये है कि जो आरपीसी यानी कि रेजिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट जो सस्पेंड किया गया है, उस चीज को जो है रिवोक करने के लिए, दोबारा से हम लोगों को देने के लिए, पाने के लिए, मिलने के लिए हम लोग यह प्रोटेस्ट कर रहे हैं. हम लोगों का डिमांड है कि सरकार जल्द से जल्द जो आरपीसी सस्पेंड किया गया है उसको रिवोक करे, क्योंकि आरपीसी जो है शायद आपसू या कुछ लोग इसको पीआरसी समझ रहे हैं. ये पीआरसी नहीं है भाइयों बहनों, पीआरसी यानी कि परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, उसको हम लोग नहीं मांग रहे. हम लोगों का डिमांड जो है, हम लोगों का मांग जो है बहुत ही सीधा सा डिमांड है, एक बहुत ही सरल सा डिमांड है. वो डिमांड है आरपीसी. आरपीसी यानी कि रेजिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट. ये क्या है? बेसिकली एक हमारे लोकल ऑफिस से, डीएससी ऑफिस से एक प्रमाण चाहिए कि ये लड़का, ये आदमी जो है इस बस्ती में रहता है. एक साधारण सा प्रमाण चाहिए होता है, उसको जो है आरपीसी कहते हैं, रेजिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट कहते हैं या रेजिडेंस सर्टिफिकेट कहते हैं, उसका डिमांड कर रहे हैं. तो इसका काम क्या है? इसका काम जो है बहुत ही सिंपल है. ये काम है सिर्फ हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन पर्पज का है. इसमें जो है, और मैं साथ साथ ये भी क्लियर कर दूँ कि चकमा और आजम लोग